सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो और एक मेरा वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज का जो वीडियो है स्किप फंक्शन, ब्लॉक डिलीट, उसको स्किप भी बोला जाता है, ब्लॉक डिलीट भी बोला जाता है। फंक्शन का इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। और है जंप, आपको एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में जाने के लिए आपको क्या कौन सा कोड यूज करना पड़ता है और क्या देना पड़ता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम देखने वाले ब्लॉक डिलीट, ब्लॉक डिलीट का फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, ऐसा एक लाइन दिया रहता है, वहां पे आगे G01X-10 100 ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है। बहुत सारे प्रोग्राम में ऐसे डालते 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 कभी कभी क्या होता है, इससे मशीन डैमेज भी होता है, पता ही नहीं होता है उसमें क्या डाला हुआ है। कुछ अलग ही जगह करेक्शन कर दे, ये इसका जो बटन है रहता है, हर मशीन में बटन रहता है, उसको ऑन और ऑफ, मतलब इसको ऑन भी कर सकते हो ऑफ भी कर सकते हो। तो सिंपली उसको अगर ऑन कर दिया तो ये प्रोग्रामिंग से हट जाएगा, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया तो ये जैसे है वो ये लेगा ही नहीं, समझेगा नहीं, इसको स्किप किया। स्किप का ऑप्शन है, इसको ब्लॉक डिलीट बोलते हैं, मतलब उसको ये ब्लॉक रहता है, उसको डिलीट कर सकते हैं प्रोग्राम में से बटन के थ्रू, ये फैसिलिटी दिया हुआ रहता है। लेकिन बहुत सारे क्या है, लोगों में चेंजेस करते उसमें भूल जाते हैं कि ये याद नहीं रहेगा क्या रहेगा, फिर वो कंडीशन में क्या करते हैं, वो रख देते उसको ये सिंबल डाल देते, उसकी वजह क्या होता है ये हमारा प्रोग्राम में आता ही नहीं। बाय चांस ये अगर ऑपरेटर ने उसको ऑफ कर दिया तो क्या होता है, ये फिर से रन होता है। तो ये ध्यान रखना है, उसका सही इस्तेमाल करो, ऑपरेटर को बता के रखो कि इससे क्या होता है। सिंपली आप अगर आप दो सेटअप चला रहे हो या रिवर्क कर रहे हो, कभी करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी एक सेटअप चलाना पड़ता है, कभी दूसरा सेटअप चलाना पड़ता है, ये कंडीशन में क्या करो आप, सिंपली जहां पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहां पे डाल दो गो टू थ्री, उसको डाल दो। अगर जैसे ये आपका ये ऑन रहेगा तो ये स्किप कर देगा, आपका जो रेगुलर प्रोग्राम है वो चलते रहेगा। अगर आपको दूसरा प्रोग्राम लगाना है, सिर्फ आप ये कर दो और जो भी आपका सीक्वेंस रहेगा, समझ लो यहाँ पे यंत्री है, एंट्री डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसके फायदे भी है नुकसान भी है। तो फायदा ऐसे करना है कि उसको जो भी ऑपरेटर रहेगा समझना चाहिए कि ये क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, वो क्यों यूज करना है। अननेसेसरी अगर आपके प्रोग्राम में है तो निकाल दो, ठीक है। तो अगला जो आखिरी का टॉपिक है हमारा जंप, प्रोग्रामिंग जंप कैसे देना है, जंप मतलब कूदना नहीं, प्रोग्राम को कूदवाना है। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। सब मान लो आपका ये यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, N3 है। अगर प्रोग्राम में आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कुछ टूल ऐड किया है, उसको पहला जो प्रोग्राम है उसको स्किप करना है, तो बस इसको डिलीट करने की जगह पे आप डायरेक्टली यहां से उसको ये रन करवा सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको N2 उसको रन करना ही नहीं है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है Go to 3। तो जैसे ये N1 एंड होगा तो ये Go to 3 जैसे कमांड आएगा इसको, तो ये 3 N3 पे चला जाएगा, 3 नंबर के सीक्वेंस पे। आप कितने भी डाल सकते हो यहाँ पे, 100, 1000, कुछ भी आपको Go to लिखना है। Go to लिखना है आपके, सिर्फ आपके जो सीक्वेंस नंबर है इसमें जंप होता है, आपको जो भी आप डालोगे उसका सीक्वेंस आपके प्रोग्राम में होना चाहिए, मतलब N नंबर सीक्वेंस नंबर होता है, तो ये आपके प्रोग्राम में होना चाहिए।
तो पहला होता है ये मेथड। दूसरा है आपको इसके जगह पे M99 यूज करना है। ये दो तरीके से आप उसको प्रोग्राम जंप करा सकते हो, दोनों भी सेम काम करते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी सपोज आपको N1 से N2 रन नहीं करना है, उसकी जगह पे N3 रन करना है, उसको क्या करना है आपको P3 लिखना है। दोनों में अलग अलग है, यहाँ पे Go to 3 लिखना है, यहाँ पे M99 P3 लिखना है। दोनों काम सेम ही करता है लेकिन मेथड अलग अलग है। इसमें भी आप चाहे जितना कर सकते हो कि 1000 100 नो लिमिट। सिर्फ ये ध्यान रखना है जो भी आप डालोगे जंप वो पहले सीक्वेंस होना चाहिए, नहीं तो दो दो बार नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा वीडियो है, जो भी जानकारी दी है वो आपको जरूर उम्मीद करता हूँ आपके काम में आएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लेते आऊँ।